हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। ये मेरे पास मटका या सुराही कह लो, ये रखा हुआ था, तो क्यों ना हम इसका रीयूज करें। तो ये देखिए, मैं इस टाइप के मेरे पास मिरर्स रखे हुए हैं, ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और ये मेरे पास वॉल पुट्टी है, मैंने इसमें पानी और फेविकॉल मिला लिया है, तो वो मैं वीडियो में बता नहीं पाई हूँ, तो आप लोग को मैं ऐसे बता रही हूँ, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। और इसे मैंने मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा थिक मिक्स करना ताकि ये बिल्कुल चिपक जाए इस मटके में। तो ये मैं इस तरीके से इस पर लगा लूँगी, तो आप लोग थोड़ा सा ठीक रखना ताकि ये जो मिरर्स हैं इसमें चिपक सके आसानी से। तो इस टाइप से देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको लोग को करना है। तो ये मेरे पास रखी हुई थी, तो ये मैंने गर्मी में लिया था और मुझे इसे डेकोरेट करना था, तो मैंने इसे डेकोरेट तो कर दिया, लेकिन फिर मैं इसको देख देख के बहुत बोर हो गई, तो मैंने सोचा कि इसका क्यों ना रीयूज़ किया जाए और इसे और भी सुंदर बनाया जाए। तो ये चीज़ है कि जो भी हमारे पास घर में रहती है, हम उसका कुछ नया बना सकते हैं, उसका रीयूज़ कर सकते हैं, उसको और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको बहुत सुंदर बनाने वाले हैं। और ऐसे जो एंटिक पीस रहते हैं वो बहुत ही महंगे आते हैं मार्केट में, आप लोग ज़रूर इसे देखिए, इसे बनाइए, ये बहुत ही अच्छा लगता है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में ही आप लोग को पता चलेगा कि ये कितना सुंदर दिखने वाला है। तो इस तरीके से मैं थोड़ा थिक इसमें इसे अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। तो ये जो था मेरे पास, मैंने एक्रेलिक कलर से इसे पहले पेंट कर दिया था, ये वैसे भी बहुत अच्छा दिखता है, ये बहुत आसानी से बन जाता है। पर इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जो हम ये मिक्सचर बना रहे हैं वॉल पुट्टी का, तो उसमें पानी और फेविकॉल ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। अगर मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ वीडियो, तो फिर मैं उसमें ज़रूर बताऊँगी कि आप लोग इसका मिक्सचर कैसे बनाएं, या फिर बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब में हैं जो कि ये सब सारी चीज़ें डिटेल में बता देते हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं इसमें पूरे में अप्लाई कर दूँगी। और ये जो सुराही है वो ज़्यादा महंगी आती नहीं है, 40 या 50 रुपए की या 30 रुपए की भी मिल जाती है, तो इससे हम बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैं पूरे इसमें अप्लाई कर दूंगी, ये इस तरीके से हम पूरे में इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास छोटे छोटे मिरर्स हैं, या फिर आप लोग के पास घरों में कांच के टुकड़े हैं, या फिर जो आईना होता है वो फूट जाता है, उसके भी छोटे छोटे टुकड़े आप लोग इस पर लगा सकते हैं। या आप लोग चाहें तो जो हमारे पास सीडी रखी हुई है पुरानी वाली, उसका भी यूज़ हम इसमें कर सकते हैं। इसमें मिरर चिपकाने के बाद आप लोग को इसे रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, और हम जो हमारे पास वॉल पुट्टी का मिक्सचर रखा है उसे भी हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें थोड़े बहुत गड्ढे रह जाते हैं उसे भरने के लिए आप लोग कांच के ऊपर से भी वॉल पुट्टी को लगा सकते हैं, ये बहुत आसानी से छूट जाता है। इसकी जगह पर आप लोग छोटी वाली जो मटकी आती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो ऐसे ही दिखाई देता है और ऐसे ही बनने के बाद लगता है, तो आप लोग उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं इसे चिपका दूंगी इन सब में, तो आप लोग इस तरीके से बहुत अच्छे से आसानी से इसे चिपका सकते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि अगर ये अच्छे से नहीं चिपक रहा है, तो इसमें और थोड़ा सा वॉल पुट्टी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद मिरर को चिपका सकते हैं। तो चलिए, हम इसे पूरे तरीके से चिपका देते हैं।
रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे चिपकाने के बाद। मैंने इसे रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। सूखने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, तो इसे हम उसके बाद जो है चाकू की सहायता से इस तरीके से हम इसे ऊपर से निकाल सकते हैं। मैंने इसके ऊपर वॉल पुट्टी थोड़ी और भी लगा दी थी ताकि मिरर और अच्छे से चिपक सके। तो इस टाइप से आप लोग भी हल्का हल्का ऊपर से अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, ये बहुत आसानी से छूट जाता है। इस तरह हल्के हाथों से चाकू की सहायता से हमें वॉल पुट्टी को इस मिरर से हटाना है। धीरे धीरे से करेंगे तो वो पूरा छूट जाएगा, बहुत आसानी से छूट जाता है। ये हम फ्लावर पॉट बना रहे हैं, इसमें मैंने पेपर के फ्लावर्स बना करके लगाए हैं। तो इस तरीके से हम लोग महंगे फ्लावर्स ना खरीद करके घर में पेपर्स के फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं एक एक करके सारे मिरर से वॉल पुट्टी को हटाते जाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से आप लोग चाकू की सहायता से आराम से इसे हटा सकते हैं। इस तरह हम वॉल पुट्टी और मिरर की सहायता से और भी चीज़ें बना सकते हैं जो बनने में बहुत सुंदर लगता है। तो ये देखिए इस तरीके से, और ये है हमारा दूसरा तरीका, पानी में कपड़े को डिप करके और हल्के हाथों से हम मिरर के ऊपर इसे लगाते जाएंगे और हम छुटाते जाएंगे। तो ये देखिए मैं हल्के हाथों से पानी की सहायता से इस तरीके से मैं इसे थोड़ा थोड़ा घिसते जाऊंगी, तो ये साफ़ होते जाएगा पूरा मिरर। तो इसके बाद ये बहुत ही सुंदर दिखने वाला, इसे साफ़ करने के बाद ये बहुत अच्छा दिखता है। गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद हम सूखे कपड़े से भी एक बार इसे साफ़ कर देंगे। अब इसके ऊपर वाली साइड में मैं एक्रेलिक कलर पेंट कर दूंगी जिससे ये और भी सुंदर दिखे। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक। इस तरीके से आप भी बहुत सुंदर फ्लावर पॉट बना सकते हैं, तो इसे आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत अच्छा लगता है बनने के बाद। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर करें।